हरियाणा का नूह जिला रिमोट एरिया है। यहाँ ज्यादातर आबादी गांव में बसती है, लेकिन जिला मुख्यालय स्थित नूह शहर की पीएचसी में राजकीय सईद हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज नलहड़ के डॉक्टर भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसके अलावा रूलर पीएचसी नगीना में भी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स इलाज के लिए आते हैं। उप सिविल सर्जन डॉक्टर वसंत दुबे ने पत्रकार वार्ता में खास बातचीत में कहा कि नूह जिले में पुनाहना फिरोजपुर झीर का नूह ताबड़ू में शहरी आबादी है। उन्होंने कहा है कि टेली मेडिसन की सेवा ई संजीवनी के माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा की गई है। मैं लियाकत अली, आप देख रहे हैं दक्षिण हरियाणा का नंबर वन चैनल मेवात सिटी न्यूज। रोजाना खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको बता दें कि ई संजीवनी ऐप डाउनलोड करके आम नागरिक 10 बजे से 1 बजे तथा 3 बजे से साय 5 बजे तक डॉक्टर से सलाह लेकर अपना इलाज करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए मरीज व उनके तीमारदार को लंबी लंबी लाइनों में लगने की जरूरत नहीं है और अपना रजिस्ट्रेशन कराने के बाद कहीं से भी दवाइयाँ ली जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर भी ई संजीवनी के माध्यम से किसी भी डॉक्टर से बातचीत कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग एक नई प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। टीवी कैमरा लगे हुए संसाधन को मरीज से सीधा संपर्क करने में आसानी होगी। इसके अलावा दवाइयाँ भी जल्दी से दी जा सकेंगी। जिले में सब सेंटर पर भी इसकी सुविधा की जाएगी। शुरुआत में जिले के 10 सब सेंटर को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चुना है, जिसमें सबसे पहले दूरदराज राजस्थान की सीमा से लगते दोहा गांव को चुना गया है। डिप्टी सिविल सर्जन ने बताया कि 15 अप्रैल से 17 मई तक काम शुरू कराया जाएगा। नूह डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर वसंत दुबे ने बातचीत के दौरान बताया कि इसके अलावा हरियाणा सरकार ने जिले को 18 ई रिक्शा देने की बात कही है। इन्हीं रिक्शा में ENM वगैरह इत्यादि स्टाफ बैठ कर लोगों के द्वार तक जाएगा और उनको वहीं पर दवाइयां दी जाएंगी। स्वास्थ्य विभाग में नवीन प्रावधान हो रहे हैं। उन्होंने कहा है कि लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह की योजनाओं का लाभ उठाएं। इस संजीवनी से जुड़ने के लिए ऐप डाउनलोड करें तथा घर बैठे बैठे डॉक्टर से सलाह लेकर अपना पूरे परिवार का रजिस्ट्रेशन कराकर इलाज करा सकते हैं, लेकिन इसके लिए इंटरनेट बेहद ज़रूरी है, तभी ऑनलाइन प्रक्रिया से जोड़ा जा सकेगा। सरकार ने जो भी हॉस्पिटल हैं, जो शहरों में CHC सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए हुए हैं, मरीजों को काफ़ी उनसे सुविधा पूरी अच्छी तरह से मिल रही है और मरीजों को पूरी दवाइयाँ उपलब्ध हो रही हैं। हमारी डॉक्टर परवीन है, DTO है, जी डिस्ट्रिक्ट है इंचार्ज है, वो उसने अच्छे से पूरा प्रोग्राम को अच्छे से मेंटेन कर रखा है और पूरे मरीजों को जितने भी डॉक्टर्स के या TB के जो भी मरीज हैं, सरकार 500 राशि उनको उपलब्ध करा रही है, उनको प्रोत्साहन खाने पीने के लिए मतलब देती है और पूरी दवाई अच्छे से मिल रही है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। मुश्ताक, यहाँ पर सेवाएँ बड़ी मिल रही हैं, लेकिन मैं यहाँ दवाई लेने के लिए आया हूँ और मैं अब लेकर जा रहा हूँ, दवाई लेकर जा रहा हूँ। TB के मरीज की दवाई है जी। कब से इलाज चल रहा है? 8-10 दिन से इलाज चल रहा है। तो अच्छी सुविधाएँ मिल रही है? हाँ, अच्छी सुविधाएँ मिल रही है। अब कुछ टीके यहाँ से मिलते हैं, बाहर से मिलते हैं, और सब ला रहे हैं, बाहर से ला रहे हैं, यहाँ से जो मिल रहे हैं उनको भी हम ले रहे हैं यहाँ पर। मेरा नाम महेंद्र कुमार है जी। महेंद्र कुमार जी, किस तरह की योजनाएँ सरकार ने चला रखी है और किस तरह का लाभ लोग उठा रहे हैं? सरकार ने जो ये स्वास्थ्य सेवा चला रखी है, आयुष्मान योजना चला रखी है, इससे जो शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण अच्छे से फायदा उठा रहे हैं और हम तो यही चाहते हैं कि ये सरकार अपना वो अच्छे से अपनी जिम्मेदारी वो अच्छे से निभाए और ग्रामीण भी अच्छे से अपनी जिम्मेदारी निभाए और जो COVID-19 के बारे में जो ये चल रहा है तो मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें। तो यही कह सकते हैं कि ग्रामीणों को अपने अच्छे से पालन करना चाहिए इस COVID-19 का, जिससे इसमें हमारा ही भला है, न कि सरकार का तो है ही। यहाँ पे तो ये रिमोट डिफिकल्ट एरिया है, लेकिन फिर भी यहाँ नू अर्बन PHC के रूप में रन करती है, जिसमें कि मेडिकल कॉलेज के लोग भी सेवाएं प्रदान करते हैं, वहाँ के डॉक्टर्स भी आते हैं
और इसी तरह नगीना में भी रूरल पीएससी के रूप में वहाँ भी नल्लन मेडिकल में डॉक्टर्स आते हैं। पर अर्बन एरिया जो हमारा बाकी है, जो छोटे छोटे हिस्सों में है बटा हुआ, कुछ पुनावा में, कुछ फिरोजपुर झिरका में आ गया, कुछ ननू में, कुछ तावड़ू में आ गया, तो इन सब के लिए हम अलग तरीके से वैसे ही पूरे मेवात के लिए ही अब टेलीमेडिसिन की सेवा हमारी ई संजीवनी ओपीडी के रूप में एक तो शुरू हुई है कि सभी डॉक्टर्स जो है ई संजीवनी ओपीडी पे उपलब्ध होते हैं और आम नागरिक ई संजीवनी ओपीडी सीधे अपने घर से ही संपर्क कर सकते हैं 10 से 1 बजे के बीच में और शाम को 3 से 5 बजे के बीच में। अक्सर शाम को गायनेकोलॉजिस्ट या डेंटल की सुविधाएँ उपलब्ध होती हैं। तो दूसरा हमने जो शुरू किया है ई संजीवनी टेली कंसल्टेशन शुरू किया है, जिसमें कि हमारे जो CHOs है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स जो सब सेंटरों पे हैं, हेल्थ वेलनेस सेंटर पे हैं, वो स्पेशलिस्ट से सीधा संपर्क कर सकते हैं। अगर कहीं उनको स्पेशलिस्ट से कोई मदद चाहिए तो वो सीधा संपर्क कर सकते हैं ई संजीवनी टेली कंसल्टेशन के रूप में। और एक और नई चीज़ हम शुरू करने जा रहे हैं मेवात में कि ई टेली कंसल्टेशन कियोस्क होगा कि मरीज सीधे, जैसे TV कैमरा लगा होगा, मरीज सीधे संपर्क कर पाएगा डॉक्टर से। उस मशीन में वो जो कियोस्क है उसके अंदर ही जांच की सुविधा, जो बेसिक जांचें हैं, ब्लड प्रेशर, हीमोग्लोबिन, जो वाइटल्स कहते हैं, टेम्परेचर है ना, फिर ओटोस्कोप होगा, कान की जांच उससे हो जाएगी, चमड़े की जांच होगी, वो स्कैन करके चली जाएगी स्पेशलिस्ट, दर्मा स्पेशलिस्ट, इस तरह की कई मशीनें उसमें लगी होंगी और पल्स ऑक्सीमीटर आदि, ये सामान्य जो मशीनें, जो कॉमन मशीनें, वो लगी होंगी और उससे डॉक्टर जाँच कर पाएगा। जाँच करके वो रिपोर्ट एक स्टाफ नर्स डालेगी, सारी रिपोर्ट वो ऑनलाइन ही चढ़ेगी और फिर डॉक्टर से संपर्क किया जाएगा, जिस भी डॉक्टर से उसको सलाह चाहिए, जिस भी स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है, वो सीधा सलाह होगी, उसकी जो ये क्या कहते हैं प्रेस्क्रिप्शन निकलेगा, वो प्रेस्क्रिप्शन मशीन से स्कैन होगा और ऑटो डिस्पेंसेबल मशीन से दवाइयाँ तुरंत वितरित होंगी, वो सब कुछ ऑनलाइन होगा, उनका रिकॉर्ड आदि सब कुछ। और इससे हम सब सेंटर लेवल पर स्पेशलिस्ट सुविधाएँ डायरेक्ट प्रदान कर पाएंगे, दवाइयाँ आदि ये सब उपलब्ध हो पाएंगे और मरीज को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। तो ये सुविधा हम मेवात में शुरू करने वाले करीब 10 सब सेंटर शुरू में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में होंगे। सबसे पहले हम इसमें दोहा को चुना है हमने, फिरोजपुर झिरका में, क्योंकि सबसे दूरतम है, सबसे दूरतम हमारे इधर फिरोजपुर झिरका की तरफ तक भी, वहाँ की तरफ सेवाएं कहीं नहीं पहुँच पाती हैं, तो हमने उसमें चुना है। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि 15 अप्रैल तक हम उसको वहाँ पर चालू करें और 17 मई तक उसका इनॉग्रेशन करवाया जाए किन्हीं विविध विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा। 17 मई को एक तो टेली कम्युनिकेशन डे भी है यूनाइटेड नेशंस का और साथ ही उस दिन वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे भी है, तो इसमें नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की भी सुविधाएं, जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ये सब के टेस्ट आदि सब इनबिल्ट होंगे इस मशीन में। इसीलिए हमने उस दिन को हम सोच रहे हैं कि 17 मई तक हम इसको मेवात में इनॉग्रेट करवा दें विशिष्ट अतिथियों द्वारा। तो ये हमारा एक प्लान है पहली चीज़। और एक और चीज़ हमने अब शुरू होगी मेवात में हमें मिलेगा, वैसे तो अर्बन एरिया ज़्यादा है नहीं, लेकिन अर्बन एरिया में जो ई रिक्शा मिलते हैं, और कल ही राज्य सरकार ने ऐसा कहा कि हमें भी करीब 18 ई रिक्शा मिल जाएंगे शुरू में प्राथमिक रूप में, अगला साल जो वर्ष आने वाला है। और ये ई रिक्शा में माइकिंग सिस्टम होगा, IC होगी तीनों तरफ उसमें, टीकाकरण के लिए और दूसरी जो बाल स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनके लिए IC होगी और माइकिंग होती रहेगी रेगुलर, ANMO को बिठा करके लाएगी, ले जाएगी और कई जगहों को हम कवर कर पाएंगे। पहले इस तरह की सुविधा कम थी कि कोई गाड़ी हो और वो रेगुलर ANMO को लाती ले जाती रहे, तो ई रिक्शा सुविधा होगी जो शहरों में होती है, वो भी अब मेवात में होगी, करीब 18 ई रिक्शा शायद हमें मिल जाए। तो इस तरह के नवीन प्रावधान जो है मेवात में हो रहे हैं और देखते हैं लोग भी इसका लाभ लें। लोगों उतना लाभ नहीं ले पा रहे हैं, जैसे हमने डॉक्टर्स हमारे कई हैं बैठते हैं ऑनलाइन, पर जब रिपोर्ट आती है स्टेट की तो हमारा डॉक्टर दूसरे जिलों को या दूसरी जगह के लोगों को देख रहा होता है, मेवात से 0, 1, 2 इसी तरह के लोग टेली कंसल्टेशन करते हैं। तो मैं आप सबको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ई संजीवनी ओपीडी को लोग ऑनलाइन डाउनलोड करें और ई संजीवनी के माध्यम से सभी लोग डॉक्टर से सलाह लें, अपने घर बैठे बैठे सलाह लें, उसका ऐप भी अगर आप दिखा पाएं लोगों को, जागरूक कर पाएं तो बहुत अच्छा होगा। इस तरह का प्लेटफॉर्म है ई संजीवनी ओपीडी का, तो ये ई संजीवनी ओपीडी का जो प्लेटफॉर्म है इसको ऑनलाइन डाउनलोड कर लें सब लोग, और डाउनलोड करके सीधा घर बैठे बैठे सलाह लें, अपने एक ही फ़ोन पर पूरे परिवार से पूरे परिवार को रजिस्टर कर सकते हैं और किसी को भी कोई तकलीफ हो 10 से 1 के बीच में डॉक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की तरफ सलाह मशवरा ले सकते हैं। इसमें बस इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है और उस पर प्रिस्क्रिप्शन भी आ जाएगा, और जो प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर का होगा किसी भी सरकारी अस्पताल में जो भी नियरेस्ट है, जो भी आसपास है, किसी व्यक्ति को भेज करके दवाइयाँ मंगा सकते हैं, जाँच अगर है तो जाके जाँच करा सकते हैं, लाइन आदि में नहीं लड़ना पड़ेगा। ये प्रिस्क्रिप्शन ऑल ओवर इंडिया चलता है, किसी भी सरकारी अस्पताल पूरे भारत में जाके आप जाँच या दवाइयाँ ले सकते हैं।
तो इस सुविधा का सब लोग लाभ लें मेवात में, यही मेरी सबसे गुजारिश है।